देखिए आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ रोड, सड़क के घटक। तो सड़क के घटक कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट यान पथ या पेमेंट, इसको कैरिज वे या पेमेंट बोला जाता है। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं, सड़क के मध्य में वह पक्का भाग जिस पर वाहन चलते हैं उसे क्या कहते हैं? पेमेंट। ठीक, तो देखो ये वाला यहां से लेके यहां तक जो पक्का भाग है ये क्या है? पेमेंट या कैरिज वे। ठीक, अब बात आती है इसकी मोटाई और चौड़ाई कैसे डिसाइड करते हैं। तो पेमेंट की मोटाई और चौड़ाई जो होती है वो यातायात के अनुसार डिसाइड की जाती है, ट्रांसपोर्ट के अनुसार। यदि आपका पेमेंट जो सिंगल लेन है, यानी सिंगल लेन है, तो उसके लिए कितनी मिनिमम चौड़ाई होनी चाहिए? तो विथ ऑफ पेमेंट शुड नॉट लेस देन 3.8 मीटर फॉर सिंगल लेन। इसका मतलब है सिंगल लेन के लिए 3.8 मीटर से कम चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है स्कंद या पटरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर या बर्म। ठीक है, शोल्डर या बर्म देखो ये होता है, ये यहां से लेके यहां तक, यानी रोड के साइडों में आपने एक कच्ची पट्टी देखी होगी, इधर और इधर दोनों साइड में होती है कच्ची पट्टी। उसका मेन पर्पस क्या होता है? सपोज करो आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप साइड में लगा लेते हैं रोड से नीचे उतर के, तो जो कच्चा सा होता है, और इसका मेन पर्पस जो होता है सर्विस रोड का काम करता है किसके? खराब वाहनों के लिए। और एक काम इसका ये होता है कि ये पेमेंट को सेफ रखता है, अगर ये ना हो तो पेमेंट टूट जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? शोल्डर जो होते हैं कि यानी पेमेंट के साइड, पेमेंट के दोनों तरफ एक ऐसी पट्टी होती है, पेमेंट के दोनों तरफ साइड में जो पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? बर्म या शोल्डर। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा ये हो गया। हाँ, अब आता है इसके अगला टॉपिक, जैसे ही बर्म होता, बर्म को बर्म की जो भारी डाल होती है यानी जो स्लोप होता है ये 1:40 का होता है, तो ये पूछ लिया जाता है कि बर्म में स्लोप कितने का प्रोवाइड किया जाता है, तो 1:40। ठीक है, 1:40 का स्लोप प्रोवाइड किया जाता है बर्म में, और बर्म के बाहरी किनारे पर यहाँ पर डिस्टेंस सिस्टम लगाते हैं, और ये जो बर्म होता है बर्म से यहाँ यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वृक्ष लगाया जाता है, यानी ट्रीज, यहाँ पर ऐसे करके ट्री लगाया जाता है। ठीक है, दोनों साइड में इधर भी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पेड़ लगाया जाएगा, पेड़ यहां से कितनी दूरी पर होता है? यहां से ये 5 मीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, तो स्कंद यानी बर्म हो गया, बर्म में और कोई टॉपिक तो बचा नहीं है। हाँ, बर्म का ये क्वेश्चन आता है आईआरसी के अकॉर्डिंग, तो आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो विथ शुड नॉट लेस देन 2.5 अकॉर्डिंग टू आईआरसी, और स्लोप 1:40, यानी जो ये चौड़ाई है यहां से यहां तक की, ये जो चौड़ाई है ये 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी आपको मिनिमम 2.5 मीटर तो लेनी पड़ेगी, इससे ज्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है ना, वो डिजाइन पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद आता है फॉर्मेशन वेद। देखो फॉर्मेशन वेद क्या होती है? फॉर्मेशन वेद यानी कैरिज वे प्लस ये बर्म, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई होती है उसे कहते हैं फॉर्मेशन वेद। ठीक है, और ये क्या होता है? ये किसी भी रोड का एक आधार होता है जिस पर हमारा पेमेंट डाला जाता है, तो ये फॉर्मेशन विद यानी इसकी रोड की चौड़ाई होगी टोटल, निर्माण चौड़ाई इसे बोलते हैं हिंदी में, निर्माण चौड़ाई, तो यहाँ से यहाँ तक निर्माण चौड़ाई होगी, तो ये फॉर्मेशन है आपका। फॉर्मेशन में क्या है, हमने फिलिंग करी, फिलिंग करने के बाद एक बेस तैयार हो जाता है किसके लिए? रोड के लिए, तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन विद। ठीक है, निर्माण स्थल। और क्या है इसमें? हाँ, मतलब ये लिखा है इसमें कि फॉर्मेशन विथ जो होती है जीएल से थोड़ा ऊपर रखा जाता है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुंच गए हम, तो मतलब ये फिलिंग जो हुई है मतलब जीएल से क्यों ऊपर रखते हैं? ताकि पानी हमारे पेमेंट पर ना जाए, अगर जीएल से नीचे इसको रखा जाएगा तो क्या होगा? पानी रोड ऊपर आ जाएगा, रोड डैमेज हो जाएगा। ठीक,
और इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, फॉर्मेशन विद बराबर क्या हो जाएगा, कैरिज वे प्लस टू बर्म, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगला टॉपिक आता है तुम्हारा ड्रेन यानी नालियां। देखो सबसे पहले नालियों में जो स्लोप लगता है वो एक एक का स्लोप होता है। नाली 60 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 45 सेंटीमीटर गहरी होती है। अब बात करते हैं नाली की। नाली क्या होती है, नाली रोडों के दोनों साइड में दी जाती है ताकि वर्षा का पानी कलेक्ट करके ये नहर या नाले या बम्बे में निकाल दिया जाए, ठीक है, इसका काम ये होता है। उसके बाद आता है ट्रीज यानी पेड़। पेड़ जो होता है बर्म से 5 मीटर की डिस्टेंस पे लगाया जाता है, 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम बर्म। और पेड़ जो लगाए जाते हैं रोडों के किनारे वो छायादार होने चाहिए ताकि यात्रियों को सुविधा हो, आराम से कभी गाड़ी खड़ी करके वो आराम से छाया ले सकें, ठीक है, और फूल वाले हों, खुशबू वाले, ठीक। इसके बाद आता है दूरी तथा सीमा पत्थर, डिस्टेंस स्टोन एंड बाउंड्री पिलर। तो देखो ये लास्ट में यहाँ और एक लास्ट में यहाँ, ये जो दो पिलर लग रहे हैं ये बाउंड्री पिलर होते हैं। इनसे क्या होता है, यहाँ से लेकर वहां तक ये रोड लैंड होती है यानी सड़क की भूमि, यानी इसके अंदर आप कोई भी घर नहीं बना सकते, ये सड़क की लैंड होती है, रोड लैंड। इसके बाद फिर मार्जिन छोड़ी जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मार्जिन होती है, ये इससे आगे कुछ नहीं, यहाँ तक ये रोड से रोड लैंड होती है, इसके बीच में आप घर वगैरह कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा इसके बाद डिस्टेंस स्टोन। डिस्टेंस स्टोन क्या होता है, डिस्टेंस स्टोन देखो ये रहा, ये जो होता है बर्म के बाहरी किनारे पर लगाया जाता है और इसका मेन पर्पज ये होता है कि इस पर डिस्टेंस संकेत होती है, यानी आप जैसे सफर करते हैं तो इस पर डिस्टेंस मार्क होगी कि दिल्ली यहाँ से भी 48 किलोमीटर शेष रह गई है, तो यहीं से पता चलता है। इन्हें माइल्स स्टोन भी बोला जाता है, डिस्टेंस स्टोन भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, ये टॉपिक फिनिश और आप बुक से देखना थोड़ा। इसके बाद आता है IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड यानी सड़कों का IRC क्लासिफिकेशन। IRC के अकॉर्डिंग हमारे रोड जो होते हैं वो तुम्हारे 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। नेशनल हाईवे यानी नेशनल हाईवे क्या होता है, राज्यों की राजधानी, मुख्य शहर, बंदरगाहों, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़कें, ये क्या कहलाती हैं, नेशनल हाईवे। अच्छा नेशनल हाईवे का निर्माण या अनुरक्षण यानी कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस कौन करता है, नेशनल हाईवे का CPWD करता है, ठीक है। वैसे तो हमारी जो बॉर्डर रोड होती है उसे BRO भी करता है, लेकिन जो नेशनल हाईवे में लिखा है वो यही है, CPWD इसका मेंटेनेंस और निर्माण करता है। दूसरा नंबर का आता है ये आपका हो गया, ये नेशनल हाईवे हो गया, ठीक है यहां तक। अब आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है कि जिलाओं को राजधानी से तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कें, ये क्या कहलाती हैं, स्टेट हाईवे। और स्टेट हाईवे का निर्माण और मेंटेनेंस कौन करता है, PWD, ठीक है, दोनों सिंपल हैं। देखो ये होता है नेशनल हाईवे में क्या, राजधानियों को कनेक्ट किया जाता है, वो मेन मेन शहर जो बीच बीच में पड़ते हैं उनको भी कनेक्ट किया जाता है, और अगर कहीं हार्बर वगैरह है, बंदरगाह वगैरह होता है उनको भी कनेक्ट किया जाता है, या फिर सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर होते हैं जैसे बॉर्डर टाइप, बॉर्डर के आसपास जो शहर होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए वो भी नेशनल हाईवे होती है आपकी, ठीक है। स्टेट हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे मतलब जैसे हमारा यूपी है, यूपी में क्या है, जो आपके जिला हैं, जिला से सीधा रोड जा रहा है, जैसे आगरा से लखनऊ को रोड गया है, ठीक है, ऐसे गंगा एक्सप्रेस वे गया है, ठीक है, नोएडा से, तो ये सब जो होते हैं ये स्टेट हाईवे होते हैं, ठीक है। मुख्य नगरों जैसे आगरा को भी जोड़ लेता है या मथुरा को भी, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे ने मथुरा को जोड़ा है, ठीक, तो ये सब क्या हमारे स्टेट हाईवे। अच्छा इसके बाद आता है तुम्हारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में तहसील प्लस मुख्य नगर प्लस औद्योगिक क्षेत्र जो जिला से जाके जुड़ते हैं इसे बोलते हैं, मतलब तहसीलें, मुख्य नगर या औद्योगिक क्षेत्र जो जिला से कनेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में ये होता है
कि इनके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में सड़कें होती हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में आती हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, इनका निर्माण और मेंटेनेंस कौन करता है? इनका करती है जिला परिषद, ठीक है। तो देखो, अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है, ये आपका जिला परिषद वगैरह करती है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक। अब लास्ट का ही विलेज रोड, विलेज रोड में कुछ ना, विलेज रोड तो आप सब जानते हो, देखा होगा, एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट किया जाता है, या कोई गांव के आसपास में कोई रेलवे स्टेशन होता है उसको कनेक्ट किया जाता है, वो विलेज रोड में होता है आपका, ठीक। अब इनके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, शायद आपको बहुत ही अच्छा लगे। चलो इसे आप नोट कर लेना, ठीक है, इसका फोटो वगैरह आप स्क्रीनशॉट से ले लेना, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, माइलस्टोन माइलस्टोन कलर कोड, जैसे एक आपका नेशनल हाईवे होता है, एक आपका स्टेट हाईवे होता है, एक आपका होता है सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड, एक होता है आपका गांव को क्या बोलते हैं, अर्बन, जैसे एक एक चौथा आपका वो होता है, जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री सड़क योजना जो होती है, प्रधानमंत्री द्वारा जो बनाई जाती है, तो उसे बोलते हैं तुम्हारा सिटी हो गया। देखो इसमें क्या होता है, स्टेट में पहले लिख करके देखो, जैसे रोड का पत्थर ऐसे होता है, तो इसमें क्या होता है, यहां तक ये नीचे जो होता है ये वाइट होता है, सब में वाइट होता है नीचे, तो ऊपर वाला इसमें क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। और स्टेट हाईवे में क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन और नीचे वाइट, ठीक है। सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होता है, यहाँ पर ब्लैक अपॉन वाइट, और तुम्हारा चौथा जो होता है उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या इसको ग्रामीण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्बन शहरी, अर्बन रूरल, हाँ रूरल रोड ये होता है ना, जो रूरल रोड होते हैं यानी गांव
होता है ऊपर होता है तुम्हारा ऑरेंज, नीचे होता है व्हाइट, ठीक है। तो ये वाला कलर होता है येलो, इसमें क्या ग्रीन होगा, इसमें ब्लैक होगा, इसमें ऑरेंज होगा, नीचे व्हाइट ही रहता है। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, जैसे जेई का टेस्ट, एई का टेस्ट हो या फिर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो, तो किसी में भी ये कलर पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा इतना हो गया, इसके बाद आगे का टॉपिक इस चैप्टर में क्या आता है, आगे का टॉपिक आता है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। तो देखो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, इसे समझाने के लिए कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन एज पर लोकेशंस। तो इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप का होता है, कंट्री रोड, अर्बन रोड्स और हिल रोड्स, ठीक है। अच्छा दूसरा आता है ट्रैफिक क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ट्रैफिक क्लासिफिकेशन में आपका चार टाइप का होता है, ठीक है, ट्रैफिक क्लासिफिकेशन में, तो इसे नोट कर लेना है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और आप इसका फिगर बना लेना ऐसे, ऊपर येलो, इसमें ग्रीन, इसमें ब्लैक, इसमें ऑरेंज, ठीक है। और नहीं तो ऐसे फिगर बना के ऐसे लिख लेना, समझने के लिए काफी है। अब आता है तुम्हारा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। ये वाली अगली हेडिंग है, तो फर्स्ट ऑप्शन आता है क्या, क्षेत्र के अनुसार, यानी बेस्ड ऑन लोकेशन। लोकेशन के आधार पे तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, पहला होता है कंट्री रोड, कंट्री रोड, दूसरा होता है अर्बन, और एक होता है हिल रोड। जो कंट्री रोड क्या होती है, कंट्री रोड होता है नगर सीमा से बाहर की सभी सड़कें कंट्री रोड कहलाती हैं, यानी कोई भी नगर है उससे सब बाहर की सड़क जा रही है, जैसे एक नगर से दूसरे नगर को या कहीं जा रही है, वो सब कंट्री रोड है। अर्बन रोड जो होता है, अर्बन वाला तुम्हारा क्या होता है, यानी नगर सीमा तथा बस्तियों के अंदर स्थित सभी मार्ग, यानी नगर और बस्तियों के अंदर जो होते हैं वो अर्बन रोड होते हैं। और हिल रोड क्या होता है, जो पहाड़ी सड़कें, यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो सड़कें होती हैं वो हिल रोड कहलाती है, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन आता है यातायात के अनुसार, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बी एंड बेस्ड ऑन ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक चार प्रकार की होती है, ये क्या होता है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे हैवी ट्रैफिक, अधिक भारी यातायात वाली सड़कें, मतलब हैवी, वेरी हैवी, वेरी हैवी ट्रैफिक रोड, ये कौन सी होती हैं, जिनमें ट्रैफिक 600 व्हीकल पर डे से अधिक हो, यानी मोर देन 600 व्हीकल पर डे, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा हैवी, हैवी ये नोट कर लें, हैवी ट्रैफिक रोड। तो ये कितना होता है, 250 to 600 व्हीकल पर डे, ठीक है। ऐसे ही मीडियम होता है, एक मीडियम में कितना होता है, 70 to 250 व्हीकल पर डे, ठीक है। इसके बाद लाइट होता है, यानी हल्का, लाइट ट्रैफिक रोड, यानी हल्के यातायात वाली सड़कें कौन सी होती हैं, 70 व्हीकल पर डे, ठीक है, इसमें इतना होता है। अब आता है लोड के अनुसार,
यानी सी में आता है बेस्ड ऑन लोड, लोड के आधार पर, लोड के आधार पर ये चार टाइप का होता है। एक होता है वेरी हैवी, एक होता है हैवी, और एक होता है मीडियम, एक होता है लाइट। ठीक है, वेट कैसे पता चलेगा? जैसे अधिक मतलब सबसे कम कौन सा होता है? 500 टन बाहर तक, वाहन तक, यानी 500 टन आ रहा है, 500 टन, और इसमें क्या होता है 500 टन व्हीकल, और इसमें 500 से 1000, इसमें 1000 एक से 1500, इसमें मोर देन 1500। ठीक है, यानी 1500 टन, 1500 टन ये ले लेना टन व्हीकल। ठीक है, तो ये तीन क्लासिफिकेशन हो गए। चौथा होता है टॉप सरफेस के अनुसार, यानी जो लोड होता है, लोड की जो सरफेस होती है ऊपर वाली, वो कैसी होती है, तो टॉप सरफेस के आधार पर। ठीक है ना, तो टॉप सरफेस के आधार पर ये चार प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट होता है देखो आपका सीसी रोड, यानी सीमेंट कंक्रीट रोड। दूसरा होता है आपका बिटुमिनस रोड, यानी बिटुमिनस को बोलते हैं ब्लैक टॉप सरफेस रोड। ठीक है, और थर्ड होता है आपका वाटर वाउंड मैकेडम रोड, WVM रोड बोलते हैं इसे। और चौथा होता है कंकर ग्रेवल या मुरम का रोड, जो गांव में बनते हैं। ठीक है ना, तो ये चौथा और लिख लेना आप अपने आप इसमें से, इस टॉपिक से। अब देखो कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिन्हें, जो बुक में आराम से नोट है, आप नोट कर लेना, तो मैं आपको केवल समझाता हूँ। देखो रोड, रोड क्या होता है, यानी एक ऐसा रास्ता जिस पर वाहन चल सके उसे रोड कहते हैं। यानी भूमि पर ऐसा निर्धारित पथ जिस पर हम सुरक्षा पूर्वक चल सकें। हाईवे क्या होता है, यानी इस रोड सिस्टम में जो मेन मार्ग जो होते हैं, मुख्य मार्ग जो होते हैं, उनको हाईवे कहा जाता है। ट्रंक रोड क्या होता है, यानी हाईवे सिस्टम में यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें ट्रंक रोड कहलाती हैं। और एक्सप्रेस वे क्या होता है, यानी जिस पर संपर्क सड़कें और समतल पारक और संगम तथा रेलवे फाटक न्यूनतम हो, यानी कुल मिलाकर हम अपनी भाषा में कह सकते हैं जिस पर जंक्शन क्रॉसिंग और तुम्हारा पुल, जंक्शन क्रॉसिंग और तुम्हारा रेलवे फाटक वगैरह ये नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत कम से कम होना चाहिए, उनको बोलते हैं हम क्या, एक्सप्रेसवे। रिंग रोड क्या होता है, रिंग रोड वो होता है जैसे हमारी सिटी के चारों तरफ, यानी बाहरी परिधि पर जो रोड बनाया जाता है उसे कहते हैं रिंग रोड। ठीक है, जिसे बाईपास भी कहा जाता है, रिंग रोड वो होता है। ठीक है, बाईपास क्या होता है, फिर ऐसी सड़कें जो नगर की घनी आबादी वाले क्षेत्र से हटाकर इसके साइड में निकाल दिया जाए। यानी रिंग रोड तो ये होता है जैसे ये सिटी हो उसके चारों तरफ बना हो, बाईपास ये होता है ये रिंग, जैसे सपोज करो यहाँ से एक रास्ता गया अंदर होकर मेन रोड का, लेकिन नई गवर्नमेंट आई उसने क्या किया, यहाँ से रोड आ रहा तो यूं साइड में होके अलग करके यूं निकाल दिया बिल्कुल। तो यानी घनी मतलब शहर को बचा देना या घनी आबादी को छोड़कर साइड में से निकाल दिया जाए, तो उसे बाईपास बोलते हैं। स्ट्रीट क्या होते हैं, स्ट्रीट यानी गली, गली यानी नगर के भीतर जो गली जाती है, समझ रहे हो ना, नगर के भीतर बनी सड़क को गली कहते हैं। अच्छा, सर्विस रोड क्या होता है, सर्विस रोड देखो वो होता है, सपोज करो तो ऐसे देखना जैसे ये हाईवे होता है, तो इसके साइड में एक छोटी छोटी रोड होती है इधर से, जैसे ये हाईवे है फोर लेन ऐसे करके, तो एक इधर को होता है, एक ये इधर को होगा, यहाँ से पुल होगा, तो यहाँ से आप ऐसे करके घूम के आ जाओगे ऐसे, तो ये आपका सर्विस रोड होता है, ये आपका मेन रोड होता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है ब्लाइंड स्ट्रीट, यानी ऐसी सड़क जो एक सिरे से एंट्री करती हो और आगे उसका रास्ता ना हो, तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्ट्रीट, यानी बंद गली। और अगला आता है आपका ट्रैफिक लेन, यानी ट्रैफिक लेन या फिर लेन, लेन का मतलब ये होता है कि सड़क की वह कम से कम चौड़ाई जिस पर एक ही दिशा में यातायात चल सके, क्रॉस कर सके। ठीक है, कुल मिलाकर इसकी भाषा ये है कि यानी सिंगल सिंगल रोड जो होते हैं उस पर, जैसे हाईवे होता है हाईवे फोर लेन टू लेन, तो यहाँ से हमारा एक वाहन जा रहा है तो ये इधर को जाएगा ही, इस पर कोई इधर से आएगा नहीं,
ऐसे ही जाएंगे, तो दो आने के दो जाने के ऐसे करके, ठीक है। तो लेन का मतलब सड़क की वह न्यूनतम चौड़ाई जिस पर एक ही दिशा का यातायात बगैर क्रॉस किए अथवा दिए सुविधापूर्वक चलते रहे यान पथ कहलाता है। इसकी जो चौड़ाई होती है 3.8 से कम नहीं होती, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। उसके बाद है क्रीट वे। देखो क्रीट वे क्या होता है, जैसे सपोज करो आप ट्रैक्टर ले जा रहे हो, ठीक है, तो ये लीक बन जाती है, इन्हीं को पक्का कर दो, तो इसे बोलते हैं क्रीट वे। और बीच में ये कच्चा रहता है, यहाँ पर कच्चा, जैसे बुग्गी होती है उसको ले जाते हैं, उसके टायर जो रास्ता बना देते हैं उनको पक्का कर दिया जाए, बीच में कच्चा रहे कोई दिक्कत नहीं, तो उसको बोलते हैं क्रीट वे, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ रोड ज्योमेट्री, और ये जो दूसरा चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से भी, एग्जाम की दृष्टि से भी, और सारे टॉपिकों को समझने के लिए। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आपको हाईवे की नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा बस ये कहना, आप बुक पढ़िए, क्योंकि हम मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, आपको खुद याद करना पड़ेगा सबसे ज्यादा। एग्जाम नजदीक है, और अभी तो एग्जाम, अभी तो पेपर को लेके कंफ्यूजन है कि रिटेन होगा क्या, ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप बस तैयारी में जुट जाइए, और जहां तक हो आप अपनी कंप्लीट तैयारी रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के चक्कर में ये सुनना पढ़ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छी तैयारी होगी आपकी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।